तो फेल गेम फैमिली स्टोन एज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये है फार क्राई प्राइमल का 9th एपिसोड। और इन केस मेरे भाई आपने इसका 1 से लेकर 8 तक कोई भी एपिसोड मिस कर दिया है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन सारे ही एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आपने जो भी एपिसोड मिस किए उनको देख लो, ताकि यहाँ तक का जितना भी गेम प्ले और यहाँ तक की जितनी भी कहानी है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो क्योंकि साइला को पीला पत्ता चाहिए था एंटीडोट बनाने के लिए, तो टकार वो पीला पत्ता लेने गया उद्धम वॉरियर्स की जमीन पर, और वहाँ उसे और कोई नहीं बल्कि उद्धम वॉरियर्स के लीडर उल एक बार फिर से मिल गया। और उल इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये दूसरी बार हुआ कि जब उसने मार के टकार को एक पंच में बेहोश कर दिया, और उसने टकार को बंद भी बना लिया, तो वो तो कैसे कैसे टकार वहाँ से बच के भाग गया। और अब साइला ने एक एंटीडोट तैयार कर लिया, और इस एंटीडोट की मदद से वो जो सड़ा हुआ गैस है उसको पार करते हुए टकार जा सकता है उल को मारने के लिए। लेकिन उल के पास अगर पहुंचना है तो उससे पहले जो उसका राइट हैंड आदमी है जो कि उसके जस्ट आगे है, और वो आदमी भी ना फुल प्रोटेक्शन के साथ रहता है, तो पहले उसको मारेंगे उसके बाद फिर उल तक पहुंच सकते हैं। तो उद्धम वॉरियर्स के लीडर उल को मारने का सफर आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए काफी मजा आने वाला है। तो फेल आर्मी आराम से खाने पीने का लेके बैठ जाइए, और अगर खा पी लिया तो आराम से बैठ के देखिए। और जिस तरह से आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो ना इस सीरीज में, बस इसी तरह सपोर्ट अपना बनाए रखो, और जल्दी जल्दी लाइक करके ना 7 के लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए, और फिर इसी तरह डेली वीडियोस आती रहेगी। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। अजय, मैंने सोचा था कि उल का जो राइट हैंड आदमी उसको पहले हम लोग मारेंगे, लेकिन पता है क्या, इस गेम का जो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है जिसका नाम अर्की है, उसका मिशन आ गया और उसके हम लोग जस्ट पास ही हैं। तो मैंने बोला कि चलो इसका पहले मिशन कर लेते हैं, क्योंकि पहली बात तो कि अर्की का जो भी मिशन है वो सारी मेन मिशन है, और ये मतलब भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा मस्त आदमी है। अच्छा, लास्ट एपिसोड में मैमथ ने मेरे जितने भी पेट्स को मारा था ना, सबको मैंने जिंदा कर लिया है, भले मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि लाल पत्ता कलेक्ट करना था तो वो आप लोग क्या ही देखोगे। और एक लास्ट चीज मैंने सोचा है ना, कि इस एपिसोड से जब जर्नी बहुत ज्यादा लंबी होगी ना, तो उसको मैं वीडियो में कट कर दूंगा, क्या बोलते हो, ठीक है ना। तो ये जो मैंने फैंगो से चिकन मरवाया है ना, तो इनका मीट मुझे नहीं चाहिए, इनका बस मुझे पर चाहिए, क्योंकि उससे सामान अपग्रेड होते हैं। चलो चलो, अब देर नहीं करते, अर्की बस मेरा ऊपर इंतजार कर रहा है। और इसके बारे में आई थिंक कि आप लोग को याद ही होगा, 2 एपिसोड पहले मिला था, और 2 बार ये मरते मरते बचा है, एक बार ऊपर से गिरा था क्योंकि उड़ने का ट्राई कर रहा था, और दूसरी बार टकार से अपनी छाती पे भाला फेंकवाया था भाई ने। तो 2 बार मरते मरते बचे, आप देखते तीसरी बार क्या करता है। Harsh Erky fat ass cash yarsh. ये करने की जरूरत नहीं थी टकार। Erky now a fat ass dausa. Erky now a fat ass. Trash, trash. Oh, pass the mask and now a fat ass. Now a fat ass how harsh Chautauqua. Woo. Oh, who fat ass wada? Harspar, Sacrabara Budakwala, Sacrabara Budakwala. Woo! Quice Harsbarum. Trash! Tawada! Tawada! Trash! भाई इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, मस्त आदमी है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, और मैं इसके बारे में बस एक ही चीज बोल सकता हूँ, बहुत सीधा आदमी है। तो जैसे ही टकार इसके टेंट के अंदर घुसा तो ये डर गया टकार को देख के, क्योंकि इसको ऐसा लगा कि भालू आया है, और ये बताने लगे कि जानते हो भालू मुझ पे डेली हमला करता है, क्योंकि लगता है कि भालू को ना मेरी जो ये बदबू ये काफी पसंद है। और इस चीज की कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन टकार ने भी सूंघ लिया ऐसे, मतलब क्या जरूरत थी, सुबह सुबह क्या क्या देखना पड़ता है। और टकार ने उसको सजेशन दिया कि तुमको एक ना नई बदबू चाहिए जिससे भालू तुम पे हमला नहीं करे। अर्की खुश हो गया, बोला कह रहे तेज आदमी तुम ना हमेशा अच्छा अच्छा आइडिया लेकर आते हो, तो एक काम करो तुम मेरे लिए ऐसे कोई सामान लेके आओ जिससे मैं अपनी महक या बदबू जो भी है इसको चेंज कर सकूं, और तुम ना एक भालू भी साथ में लेके आना। तो टकार ने बोला कि भालू, तो उसने बोला कि हाँ हाँ भालू लेके आओ ना, तो ठीक है। ब्लड फैंगू पे मैं घूम रहा हूँ, ये छोटे शेर भी आग दिखाएंगे फिर फायदा क्या, लेकिन ये आग दिखा सकता है क्योंकि ये भी सेबर टूथ है। अच्छा अच्छा, वही मैं बोलूं कि ब्लड फैंगू के सामने बोलने की हिम्मत कैसे हो रही है, ये मैं नॉर्मल से बटूत पे घूम रहा हूँ इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया था। इस सेबरटूथ को मैं मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन देखा ना जबरदस्ती मेरे साथ आके थथिंग किया जा रहा है, क्या करता मैं। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्की के लिए कुछ ऐसे सामान लाने हैं ना, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ ऐसे सामान लाने हैं जिससे उसकी बदबू चेंज हो सके। नी, नी,
बताओ भाई, नॉर्मल सिबू की कोई इज्जत ही नहीं है मार्केट में। जो भी देखो आके उंगली करके चला जा रहा है। अच्छा ऐसा है ना क्या, अर्की के लिए जो भी सामान लाना है वो बस जस्ट आगे ही दिखा रहा है। अब ये ऐसा क्या सामान हो सकता है जिससे उसकी बदबू चेंज हो जाए? बदबू चेंज करना है या उसको खुशबू देना है, क्योंकि स्टिंक मतलब तो बदबू ही होता है। तो चलो देखते हैं कि क्या सामान है। और अर्की ने बोला है कि ऐसी महक होनी चाहिए ना जिसको सूंघकर भालू डर जाए और मुझ पे हमला करना बंद कर दे। बेचारे के ऊपर भालू भी हमला करते रहते हैं। बस बस ये वाला मिशन एक बार कर लेना, उसके बाद फिर वो जो उल्का राइट हैंड मैन है उसको जाएंगे मारने के लिए। अच्छा अच्छा यहाँ पर मैमथ्स भी हैं। बहुत ही ज्यादा संभल के आराम आराम से जाना है भाई, क्योंकि लास्ट एपिसोड में याद है ना मेरे कितने सारे बीस्ट को एक मैमथ ने मार दिया था। ये अचानक से मैमथ मेरे दुश्मन क्यों बन गए? सिबू भाग यहाँ से, अभी मैंने कुछ किया भी नहीं था, उनके पास तक नहीं गया मैं। यार्की की बदबू दूर करने के चक्कर में मैं दुनिया से कहीं दूर नहीं हो जाऊं। सिबू एक काम कर भाई, बैठा ले मुझे और चल। बस पहुंच ही गए हम लोग। एक मिनट, ये सारे सामान राइनोसोरस की टट्टियां जमा करनी है, 5 मधुमक्खी की छत्ते 3। अरे ये चाटना बंद कर सेबू, क्या कर रहा है यार तू? सेबू है, अब मैंने सब कुछ देख लिया इस गेम में। पता है राइनोसोरस की टट्टियां जमा करवा रहे हैं मुझसे, कहा मैं एक महान योद्धा बनने वाला था, अब ये काम कर रहा हूँ। मतलब वो भी साफ भी नहीं कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ मैं अपनी पॉकेट में। अच्छा तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने बोला था कि खाना पीने का लेके बैठ जाओ भाई। आई होप कि आप लोग खाना पीना नहीं खा रहे हो, और अगर खा रहे हो तो मैं एडवांस में सॉरी बोल दे रहा हूँ कि मैंने ऐसा बोला था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा मिशन आने वाला है। तो ये राइनो भरभर के खा रहे हो और भरभर के भाई जा रहे हैं। ठीक है, 3 कलेक्ट कर लिया मैंने, 2 और कलेक्ट करना है। ये जो टटियों के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही है ना, काफी रियलिस्टिक है और अच्छा टच डाला है यूबीसॉफ्ट ने। घिनाने की कोई कमी नहीं छोड़ी है, थैंक यू यूबीसॉफ्ट। बस बस ये काम खत्म ही होगा, बस एक और जमा करना है। ये येलो वाला जो मीटर बना हुआ है ना मैप में, उसी के अंदर मिलेगा। राइनो के पीछे पीछे घूमू क्या मैं? जैसे ही वो करेंगे भाई कटोरा लेके मैं बैठ जाता हूँ। तो सिबू ऐसा है ना कि इसको डरा के भगा दो, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहेगा ना कभी भी मुझे सिंग मारने आ सकता है। ये राइनो हो या मेहमत अचानक से बिदक के हमला कर देते सिबू। ओ भाई साहब ये नेशनल डिस्कवरी क्यों चलने लगा अचानक से? ये क्या था? बाउंस करके कैसे फेंका गया राइनो? ग्रेविटी की ऐसी की तैसी। तो बस बस ये उठाएंगे और उसके बाद फिर 3 मधुमक्खी के छत्ते चाहिए, वो कहाँ मिलेंगे? अच्छा बना दिया, ये कहाँ मिलेंगे, ठीक है। और एक ब्रॉन भालू भी लाना है जिसको मैंने टीम किया हुआ है। ओके, अजीब अजीब डिमांड है अर्की की। सच बता रहा हूँ, अगर अर्की की जगह मुझसे ऐसे कोई 3-5 काम करवाता ना, मतलब ऐसे गंदे काम मैं नहीं करता, लेकिन अर्की मुझे पसंद है तो ठीक है। इस गेम में मेरा फेवरेट कैरेक्टर नहीं ना होता अर्की, तो भाई ऐसा लात मारता ना, लेकिन ठीक है। चलो 3 मधुमक्खी के छत्ते लाने और 1 ब्रॉन भालू लाना है। 2 बार ऑलरेडी मरते मरते बचा है ये अर्की, पता नहीं इस बार भालू के साथ क्या करेगा। अच्छा अच्छा भालू भी यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते ही में हाथ डालने आए हैं। भाई तुम लोग मत खा, अरे मेरी तरफ क्यों देख रहा है? तो एक छत्ता तो मैंने ले लिया है, 2 और चाहिए मुझे, कहाँ मिल सकता है? रेड रेड देखो पेड़ी पे लटका होगा, और कहाँ? भालू तू मुझे दिखाएगा क्या रास्ता? इसको फॉलो करूँ क्या? नहीं, अपने आप मिल ही जाएगा। अरे भाई ये आज हो क्या रही है? 2 भालू आपस में लड़ रहे आज, मतलब गेम की जगह मैंने नेशनल ज्योग्राफी ऑन कर दिया है क्या? मस्त है लेकिन।
देखा टकार कितना अच्छा है, इनकी लड़ाई तोड़वाने के लिए एक बीट फेंक दिया, इसको टीम कर लेते हैं। अरे सेबू डरा के भगा दिया उसको। सेबू मैं उसको टीम करने जा रहा था, दो सेकंड रुक जाता ना। अच्छा एक काम करते, पहले मधुमक्खी का छत्ता उठा ही लेते हैं। एक और मिल गया, बहुत ज्यादा ऊपर है, और यहाँ पर इजीला वॉरियर्स है। सेबू जी अपना काम करे यार, सबको मार जाके मैं आता हूँ लेकर। अच्छा अच्छा मुझे एक आइडिया आ रहा है, एक टीम ब्राउन भालू चाहिए तो मेरे पास तो है ही, तो इन लोगों को टीम करने की क्या जरूरत है, अपने टीम ब्राउन भालू को बुला लेते हैं, उससे काम चलेगा या फिर अभी टीम करना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो आई थिंक मेरा काम हो गया है, अब क्या करना है, अर्की अर्की से जाके बात करना है। और ये ब्राउन भालू भी राइड करवाता है, भली वो स्कार बीस जो है वो अपने ऊपर बैठने नहीं देता है, लेकिन ये ब्राउन भालू बैठने देता है। लेकिन ये दिक्कत है ना कि इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही स्लो है। तो ऐसा है ना इजीला वॉरियर्स, जितना दिन और आतंक मचाना है मचा लो, जल्दी आ रहा है टकार तुम्हारी लीडर बटारी को मारने के लिए। पर पहले उल को तो मार ले भाई, उसी को मारने में अभी इतनी दिक्कत हो रही है ना। और सच बताओ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक पूरी तरह से मैं तैयार नहीं रहूंगा उसके पास नहीं जाने वाला, क्योंकि भाई दो बार ऐसा हुआ है कि एक एक पंच में मार के बेहोश किया टकार को, तो मतलब वो है टफ, ये बात तो है। चलो ये सब छोड़ो, अर्की के पास पहुंच गए, देखते ये क्या करता है। अरे वाह 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 भाई, ब्राउन भालू भले ही स्लो है, लेकिन याद है सेबू पानी में तैर के मुझे दूसरी जगह नहीं पहुंचाता है, पर ब्राउन भालू पानी में भी तैरता है बैठा के वो भी। हाँ सही है। तो राइनो की टट्टी और ये मधुमक्खी के छत्ते से अपनी नई बदबू बना ले अर्की। और ये भालू क्यों मंगवाया है? अच्छा मुझे लगता है कि इसने टेस्ट करने के लिए मंगाया है कि भालू इससे डरता है कि नहीं डरता है, शायद। New Yorky ha, ha now a fat ass da ha, woo, ooh, Uchimena, Uchimena, ooh ooh ooh. क्या 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 कर रहा है? ठीक है अर्की को एक नई बदबू मिल गई, क्या करना है मुझे? अर्की चिमचा। अरे भाई मुझे भालू को बोलना है अर्की पे हमला करने के लिए। Uars Yorky wakada ha, Uhar senta. इस बार तू definitely मरेगा भाई। ये क्यों ऐसे उल्टे सीधे काम करवाता है मुझसे? अर्की जिंदा है, भली लग रहा है कि मर गया, दो बार हमें पहले भी लगा था कि ये मर गया है, लेकिन इसकी आवाज आ रही है यानी कि ये जिंदा है। ठीक है इसका मिशन फिर आएगा। तो भाई ने बोला कि मैंने नई बदबू तैयार कर ली, अब भालू मुझसे डरेगा, तुम हमला करवाओ। तो मैंने करवा दिया बोलने पे, और ये देख लो पड़ा हुआ है। ये पता है बहुत ही ज्यादा सीधा आदमी, इसको पता नहीं टकार क्यों नहीं बोल रहा है कि मेरा गांव ज्वाइन कर लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सारे मिशन कर लेंगे ना इसके, तब ये गांव में आके रहने लगेगा, या क्या पता। अब जब इसका नेक्स्ट मिशन आएगा तब का तब देखा जाएगा, फिलहाल अभी हम लोग सीरियस मिशन करने जा रहे हैं। तो एक बार मैप में जल्दी से देख लो, तो उल तक अगर पहुंचना है ना तो पहले इस किले से होते हुए जाना होगा, और इस किले का रखवाली ये टकला आदमी करता है। तो सबसे पहले तो इस किले में घुसकर इस टकले आदमी को मारना पड़ेगा जो कि उल का राइट हैंड मैन है, और उसके बाद फिर उल को मार सकते हैं हम लोग। और ये मिशन मजेदार होने वाला है क्योंकि देखा वेरी हार्ड मिशन है, और इस गेम में हम लोग फर्स्ट टाइम वेरी हार्ड मिशन करने जा रहे हैं, तो मजा आएगा। तो मेरे पास जो जो सामान कम पड़ रहे हैं ना उनको भर लेता हूँ। लेकिन अर्की आप लोगों को कैसा लगा ना मैं सबसे जानना चाहता हूँ प्लीज, तो आप लोग कमेंट करके बताना अर्की के लिए एक लाइन। ठीक है तो रात के टाइम में ना ऐसे भी किले में कुछ नजर नहीं आएगा, तो एक काम करते सो जाते हैं और दिन के टाइम पे किले में हमला करेंगे। ऐसे रात के टाइम अगर हमला करते तो स्टेल्थ करना आसान होता, लेकिन रात में ना मुझे मजा नहीं आता मिशन करने में, आधे ज्यादा चीजें तो नजर ही नहीं आती है। कोई बोल सकता है कि ये 8-9 साल पुराना गेम है? एक तो यूबीसॉफ्ट हर साल इतने सारे गेम्स बनाते हैं, पता है अभी इस महीने भी एक गेम आ रहा है यूबीसॉफ्ट का, प्रिंस ऑफ पर्शिया,
जो कि मैं ऑब्वियसली खेलूंगा, थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन मैंने सोच के रखा हुआ है ये खेला जाएगा। तो सबसे पहला काम करते हैं कि सेबू को बुलाते फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, ओ भाई साहब कुछ ज्यादा ही दूर है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी जर्नी दिखाऊंगा और जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस एपिसोड में तुम्हें जर्नी कट कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना कि जर्नी कट करते रहूंगा या फिर पूरी वीडियो में जर्नी को रहने दूं। एक काम करना, आप लोग कमेंट करके बता देना, फिर उसी हिसाब से किया जाएगा। ये उद्धव वॉरियर्स की जो बर्फीली जमीन पे आते हैं ना, तो लगता है बिल्कुल अलग गेम खेल रहे हैं। नहीं, क्योंकि उरूस की जमीन में जितनी हरियाली है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आइस से जाया हुआ है। वेंजा के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, तुम लोग अपने अपने घर जाओ ना, इतना अच्छा गांव बना के दिया है मैंने, ये उद्धव वॉरियर्स की जमीन पे आने की क्या जरूरत है। अच्छा एक आधे साइड मिशन भी है रास्ते में, लेकिन उनको करना जरूरी नहीं है फिलहाल, पर अगर इनको कर लेते हैं ना तो अपग्रेड करना आसान होगा। पर अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मिशन में अभी तक डिफिकल्टी आई है, एक मैमथ वाले मिशन को छोड़कर, क्योंकि वो मिशन भी टफ था भाई, पर मरे नहीं ना तो ठीक है। अच्छा मैं याद दिला दे रहा हूँ कि लास्ट एपिसोड में जो मैमथ का मिशन किया था ना वो हार्ड था, अभी ये जो मिशन हम लोग करने जा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है वेरी हार्ड, यानी कि गेम ने बोल दिया है कि तैयारी के साथ आना वरना तेल लेने जाओगे फिर रोना मत। तो तैयारी मेरी मुझे लगता है कि काफी है। तो बहुत लंबे सफर के बाद हम लोग पहुंच ही गए और मैं सोच रहा हूँ कि पीछे का जो सफर है ना उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं तो उसको कट कर दूंगा। अब बस इस किले के अंदर घुसने का, अच्छा मिल गया। अच्छा ऐसा है ना कि अभी भी किले के अंदर पूरी तरीके से घुसे नहीं, अभी तो सिर्फ ऊपर आए, अभी ये जो उल के आदमी का किला है ना ये और थोड़ा सा आगे है। अच्छा ये सही में टफ मिशन लग रहा है, क्योंकि देख रहे हो घुसना भी आसान नहीं है, वरना ये उद्धव वॉरियर्स हो चाहे इजीला वॉरियर्स है, इनके आउटपोस्ट में घुसना इतना आसान रहता है ना। अभी तो पहले ये देखना है कि इस किले के अंदर घुसे कैसे। चलो ठीक है, किले के अंदर तो हम लोग पहुंच गए, बस मेरा सेबू भी अंदर आ जाए ना तो काम थोड़ा आसान हो जाए। अच्छा जब बोंगो बोंगो बज रहा है भाई, यहाँ पर फुल पार्टी शार्टी कर रहे हैं, बिग डार्वा फोर्ट नाम है इसका। अच्छा एक काम करते हैं कि उल्लू का यूज करते हैं और इस एरिया का सर्वे करवा लिया जाए, ठीक है। सेबू तू छुपे रहना। तो फिलहाल उल्लू का एक वेपन मैंने अनलॉक कर लिया है, जो कि मैं एक आदमी या दो आदमी के ऊपर गिरा सकता हूँ। तो कोशिश ये करना है ना कि जहाँ तीन चार आदमी हो या फिर कोई तगड़ा वाला आदमी हो, बस उसी आदमी के ऊपर ये बॉम्ब गिरवाऊंगा मैं। अच्छा ये जिसके ऊपर शील्ड बना रहता है ना ये टफ आदमी, इसके ऊपर गिरवाया जाए। तो क्योंकि मैंने उल्लू से बॉम्ब गिरवाया ना, अब इनको पता चल जाए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। हाँ पता चल गया। सिबू हमला करना स्टार्ट कर दे। एक मिनट, ये जो सड़ी हुई बदबू है ना, इसका एंटीडोट है मेरे पास,
उसको अगर खा लेते हैं तो कुछ टाइम मिलेगा मुझे और उस टाइम तक मेरे ऊपर इस गैस का असर नहीं होगा। तो क्योंकि ये मिशन टफ है, अगर सेबू डाउन हो गया ना उसके बाद फिर ब्लड फैंगो को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो उल का राइट हैंड मैन है ना डा, उसकी हेल्थ बन गई। देखो नाम लिखा हुआ है ना ऊपर में DAH, भाई अजीब टाइप का नाम है यार, कोई ढंग का नाम रख लेता। अच्छा व्यंजन की कोई आदमी को बांध के रखा है, अगर उसको बचा लेते तो वो मदद करेगा। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये मिशन टफ क्यों है, क्योंकि ये सब आदमी तो है ही, लेकिन जो राइट हैंड मैन है उसके साथ बॉस फाइट है। ये है राइट हैंड आदमी जिसकी चारों तरफ वो धुआं है, पर उस धुएं का असर मेरे ऊपर होगा नहीं क्योंकि मैंने दवाई खाई हुई है। सिबू को डाउन कर दिया, कोई नहीं ब्लड फैंगो को बुला लेते हैं। तो ऐसा जब भी कोई मिशन आया ना उसमें बस एक बात ध्यान में रखना है कि हड़बड़ाना नहीं है, लालच में नहीं रहना है, जितने आदमियों को मार सको कवर में मारना है और उसके बाद फिर पीछे हट जाना है। चलो इनकी मेन बॉस को मार दिया, बचे कुछ आदमियों को मार दिया तो जीत अपनी है। तुम लोगों के मेन बॉस को मार दिया, तुम लोग क्या ही कर लोगे। इन सब चक्कर में मेरा बेचारा सेबू मर गया। कोई बात नहीं, इस गेम की अच्छी बात ये है कि जो भी मरा है उसको जिंदा कर सकते हैं दोबारा। तो फैंगो ऐसा है ना कि इस किले में बस एक दो आदमी और बचे, उनको भी ढूंढ के मारी दे फिर ये किला अपना है। टूल के राइट हैंड मैन डा और उसके सारे आदमियों को मार के इस किले पे फतेह हासिल कर ली, यानी कि अब पुल तक आराम से हम लोग पहुंच सकते हैं। भाई इसको तो मार दिया तो मैंने, ये अभी तक जिंदा कैसे है। सुम यूरी माल शासार टकराव हदम वाइदा क्राव हदन क्राव हस हदा माल शासार कौन उदा माल शासार उदा कौन Winja dam sam guanta. Umas krau hadan da hadachai. Na na na, takar se zyada hoshiyari nahi, jitna bola utna kar. Winja dam sam haimas. Umas nai. तो इस डा को मारा नहीं, टकार नहीं, क्योंकि ये जो हरा वाला गैस है ना, ये जो सड़ी हुई गैस का जहर है, इसको डा बनाना जानता है। तो टकार ने बोला कि तुम वेंजा के लोगों को सिखाओ कि इसको बनाते कैसे हैं। Шибаль.
Saif Malshazar. Namalsh. Malsh. U Winja, thy Shwati Krauhadandaha. टकार ने जब टा से पूछा कि तुम्हें ये सड़ी हुई गैस बनाना आता है, तो उसने बोला कि ये जो जहर है इसके अंदर ये चमड़े को धीरे धीरे खाता है और इसलिए तुम्हारे जैसे जो नरम खून के लोग हैं यानी कि वंजा के लोग वो इस जहर से मर जाते हैं। तो टकार ने इसको बंदी बना लिया और यहाँ लाके जेल में बंद कर दिया और बोला कि तू अब सिखाएगा कि ये जहर को हम लोग बनाए कैसे। और ये टकार को बोले जा रहा था कि मुझे मार दो, लेकिन टकार ने इसको मारा नहीं। और यहाँ वंजा के भी लोग मतलब देखकर चौंक रहे थे कि ये उत्तम पहली बार हमारे घर में और वो भी जेल में बंद है। और इसने ना एक रेसिपी दी है जिससे हम लोग अब वो हरा वाला जहर बना सकते हैं। और ये डा जेल को देखकर बोल रहा था कि अच्छा तुम्हारी जेल काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि तुम उतने भी नरम नहीं हो जितना मैं समझता था तुम्हें। तूल तक तो पहुंचने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन अभी टकार मुझे नहीं लगता कि रेडी है क्योंकि तीनों स्पेशलिस्ट का मिशन बाकी है। तो जहमदा हंटर का तो सिर्फ एक ही मिशन बचा है, वो जो भेड़िया का शिकार है डायर वुल्फ है जो कि बहुत आड़े है, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। पर फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि वोगा द क्राफ्टर से स्टार्ट करते, ये जो सुसु आदमी है जिन्होंने टकार का नाम रखा था सुसु आदमी, इनके मिशन से स्टार्ट करते हैं, फिर करूज का मिशन भी करेंगे। और बस एक बार इन स्पेशलिस्ट का मिशन कंप्लीट हो गया जो कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसके बाद फिर हम लोग उल को मारने जाएंगे। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास 4 स्किल पॉइंट है, ओ ये उत्तम वॉरियर्स की स्किल क्यों आ रहे हैं, चलो इसी को ले लेता हूँ। अच्छा ये स्किल भी सही है, क्राउच करके स्प्रिंट कर सकता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, वो जो जहर की रेसिपी दी है ना उसको क्राफ्ट कर लेते हैं, बजर्क बॉम्ब नाम है इसका, चलो काम आएगा। तो ये ऐसा बॉम्ब है ना कि इसके असर से दुश्मन पागल हो जाएंगे और अपने ही साथी पे हमला करने लगेंगे, तो काफी काम आने वाला है ये। तो ये बात तो है कि जैसे जैसे खुद को अपग्रेड करते जा रहे हैं ना, तो एक पावर महसूस हो रही है कि हाँ भाई आप किसी से भी पंगा ले सकते हैं आराम से। तो बस इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि स्पेशलिस्ट का सारा मिशन कंप्लीट कर ले ताकि उल को आराम से मारा जा सके। अच्छा साइला और जायमादा हंटर के हम लोग झोपड़ी को अपग्रेड कर सकते बाद में करेंगे, पहले इन सुसु आदमी से बात कर लेते हैं। तो सुसु आदमी नाम रखने वाले आदमी, बताइए आपका क्या मिशन है? Nuta bals nagu tatija. Vaida shanchi. U apakwam. U kwar shwaldata darfa takwa. Haya. Shwaldam darfam kwa. Ugas nagu. Vaidata. So nagu. Barju. Aha. Shwalda. Dekhi mujhe dard hua. Faran Parkon! Uraf Nagut Bauga! Ha, Faran Parkon Schwada! Su! Ha, Nawa Quarvi Taticham! Na Quarvi Baluga Snaguai! Jiva Jim Loge Vice Game Me Tigan! तो टकार जब वोगा से मिला तो उन्होंने बोला कि तुमने मेरे लिए एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग झोपड़ी बनाई, तो मैं भी तुम्हारे लिए एक नया क्लॉ बना रहा हूँ और इसकी मदद से तुम कहीं पर भी क्लाइंब कर सकते हो। तो आप लोगों को याद होगा कि जब वोगा से ये पहली बार मिला था टकार, तो अपनी गुफा में उन्होंने गिरा दिया था और वहीं पर टकार को ये क्लॉ मिला था जिसकी मदद से वो गुफा से बाहर आ पाया। तो इसने वोगा को दिखाया कि देखिए मेरे पास क्लॉ है, इसकी मदद से मैं कहीं पर भी चढ़ सकता हूँ। तो वोगा ये क्लॉ देखकर खुश हो गए, बोले कि ओ तुमने मेरा क्लॉ ढूंढ लिया, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और उन्होंने मतलब खुद ही को मार लिया गलत जगह पे भाई। और उन्होंने टकार से बोला कि तुम मेरे लिए काम करो कि ईगल के पर लाके दो, उससे ना नए नए टूल हम लोग बना सकते हैं। तो ईगल के पर लाने, और जो मेरा सेबू गया था उसको दोबारा जिंदा कर लिया है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस बगल ही में। ये मेरे वेंजा के लोग पता नहीं क्यों इतना पंगा लेते हो उत्तम वॉरियर्स, भाई तुम लोग छुप के रहो ना, बोला ना जब तक उल को नहीं मार देता तुम लोग छुप के रहो प्लीज। अच्छा
अच्छा मैं सोच रहा हूँ ना कि फैंगुई को साथ में रखूं, इसलिए उसी को बुला लेता हूँ। तो अभी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि वोगा ने ये जो ईगल के पर लाने बोले, भाई अजीब अजीब सबके शौक है। ठीक है मेरे लिए कोई नया हथियार बनाएंगे, लेकिन कुछ सीधा काम भी दे सकते थे कि ये पत्ता लेते आओ, वो लकड़ी लेते आओ, लेकिन नहीं, ईगल के पर चाहिए भाई को। पर ये बात भी, शुरुआत से ईगल्स ने मुझे बहुत परेशान किया है, बेकार का मुझ पे 2-3 बार हमला भी किया है, तो एक आध ईगल को मारने का मौका मिलेगा तो अच्छा ही है। ये एक फाइट करने के बाद मेरा पूरा हार्डवुड खत्म हो गया, देख रहे हो, ज्यादा ज्यादा तीर में बना भी नहीं सकता। ऐसे ये जर्नी कट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ज्यादा दूर है नहीं, पहुंचे गए हम लोग। तो शिकार बेचारे भेड़िये ने किया, स्किन करके मैं ले गया बकरी को। पता है अभी नॉर्मल सिपू पे बैठा रहता ना, शायद ये भेड़िया भी मुझ पे हमला करता, लेकिन ब्लड फैंगू को देख के ये डर गया। एक मिनट, ये जंगली पिक ने मुझ पे हमला किया या गलती से मेरे ऊपर गिर गया था? अगर गलती से गिरा तो मैं जाने दे रहा हूँ, अगर हमला करता तो दौड़ा के मारता मैं। ओके, ईगल को मारने के लिए चोटी पे चढ़ना होगा, ये वोगा ने बताया नहीं था। अच्छा ठीक है, तो पहाड़ पे चढ़ के ईगल को मारना पड़ेगा। भाई मतलब नीचे से क्यों नहीं मार सकते? ये फैंगो मुझे छोड़ के भाग कहाँ गया? अच्छा यहां से मुझे लगता है कि अकेले मिशन करना होगा, क्योंकि ऐसे भी पहाड़ पे चढ़ना है तो ये तो आएगा नहीं। तो ईगल तो ईगल है ना, मतलब नीचे भी मारेंगे तो काम तो हो ही जाना चाहिए, ये ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि ऊपर ईगल ज्यादा मिलेंगे या ईगल का कोई अड्डा होगा, देखते हैं ऊपर जाकर। क्लॉ लगाने का तो दिया है लेकिन रस्सी उतनी लंबी नहीं, यानी कि और ऊपर जाना होगा तब क्लॉ लगा सकते हैं। तो अच्छा यहां तक तो आ गए, लेकिन ऊपर क्लॉ लगाने का भी दिया है, पर ऊपर जाएं कैसे? अच्छा ओके, यहां से ऊपर जाना है। बताओ यहां मैं फालतू का है? ऐसे यहां से डायरेक्ट क्लॉ नहीं लगा सकते हैं क्या? एक और बात मैं समझ गया हूं कि ऊपर इसलिए जाना है क्योंकि ईगल्स का घोंसला ऊपर है तो उनको मारना ज्यादा आसान होगा, पर ऊपर जाए कैसे, ये क्लॉ लगाने का दे ही नहीं रहा है। मैं गलत कर रहा हूं क्या? डायरेक्ट इससे ऊपर चढ़ेगा? नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं है, बस क्लॉ लगाने का दिया है। तो यहीं से कुछ करना होगा, ऐसे ये जो ईगल का निशान बना रहता है ना, यानी कि ऊपर कोई क्लॉ है, मतलब क्लॉ लगाने का है, पर ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है मेरे को, और जो है वहां तक अभी पहुंचेगा नहीं रस्सी। टका रस्सी बड़ी करवा लेता वोगा से कम से कम। एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, वो जो सामने दिख रहा है ना उसमें जाके देख, वहां से शायद है ऊपर जाने का, पहले वहां चले आते एक बार झूल के। टकार ऐसा है ना कि रात हो गई ना तो ईगल का उल्लू ज्यादा मिलेगा, अरे नीचे गिर के मरना मत। अच्छा अब आ गए 4 रेयर ईगल फेदर मुझे जमा करना है। रेयर बोले तो यानी कि काली वाली ईगल होगी, जो ऐसे नॉर्मली ईगल्स मिलती है वो ब्राउन या वाइटिश टाइप की रहती है ना। अच्छा ये सही है, ईगल्स मारने की जरूरत नहीं है, उनके घोंसले में पर रहते हैं पहले से ही। अरे इनको मारना ही चाहिए बल्कि। एक सेकंड, यहाँ पर सीक्रेट डोर है, ऐसा क्या सीक्रेट है यहाँ पर?
तो सीक्रेट का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एक व्यंजक आदमी मरा हुआ है और सांप है यहाँ पर। तो ये बेचारा जो भी आदमी मरा ऑब्वियसली सांप के जहर से मरा है। ठीक है भाई, तेरे पास जो भी था मैंने ले लिया, ऐसा कुछ खास भी नहीं था। मुझे लगा इतना छुपा के कुछ होगा तो कुछ अच्छा हथियार मिलेगा, नहीं। तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, 3 और ईगल फेदर्स लाने और इसलिए और ऊपर जाना होगा। अच्छा यहाँ पर तो कोई घोंसला नजर नहीं आ रहा है। अच्छा दिखा दिखा दिखा, चलो भाई 2 मिल गए। अरे तो हर बार पर लूंगा तो हर बार मारेगी क्या मुझे? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं जल्दी में हूं, और सच बात यह है कि एक बार में निशाना लगा नहीं, वरना तो मैं रुक के मारता। ये तीसरा पर उठाऊंगा, अगर इस बार मुझे ईगल मारेगी ना, इस बार मेरी सटक जाएगी भाई, इस बार मैं रुक के मारता, पर खैर कि मुझे मारा नहीं। बस बस एक और चाहिए जो कि सामने ही दिख रहा है, उसके बाद यहां से डायरेक्ट जंप कर देंगे क्या, क्योंकि नीचे तो पानी ही है। तो वो कहता है क्राफ्टर के मिशन को ज्यादा ही आसान था, कंप्लीट कर लिया है, इसी तरह जल्दी जल्दी स्पेशलिस्ट के मिशन कंप्लीट करने और फुल तरीके से अपने आप को तैयार कर लेना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि वो गही का नेक्स्ट मिशन करते हैं, जब उसी का मिशन कर रहे हैं तो एक बार में उसके सारे मिशन करके हटाते हैं। पेंगू तू कहाँ चला गया था? ईगल्स ने मुझे बहुत सताया, तू रहता तो 2-4 को उछल के मार ही देता, लेकिन कोई नहीं, चल यहां से निकलते हैं। अच्छा ये जो मैं पत्ते बार बार कलेक्ट किए जा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लाल पत्ते के बारे में आपको पता ही है कि उसी से मेरे मरे हुए बीस को मैं रिवाइव कर सकता हूँ, और बाकी सब जो भी पत्ते उनसे भी एंटीडोट या फिर अच्छी दवाई बनाई जा सकती है। अच्छा एक लाल पत्ता ऊपर ही दिखा रहा है, उसको ले लेते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट विलेज चलेंगे और वोगा का मिशन किया जाएगा। तो एक बार मैं देख ले रहा हूं यहाँ आसपास कोई व्यंजक का इवेंट तो नहीं दिख रहा है। ठीक है फिर चलो विलेज चलते हैं। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ ना कि साइला की जो झोपड़ी है ना, उसको भी अपग्रेड कर ही देंगे हम लोग। ठीक है, और सुबह तक सोते हैं क्योंकि सारे मिशन मैं सुबह ही में करना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि रात में मजा नहीं आता मिशन करने में, लेकिन सुबह की बात ही कुछ और है। मतलब सुबह में अच्छे से दिखते हैं, बार बार ऐसे टॉर्च जला के घूमना नहीं पड़ता है। तो चलो देखते हैं कि ये सुसु आदमी अब नेक्स्ट मिशन क्या देने वाले हैं। अच्छा अच्छा एक मिनट, ये जो डा है मतलब ओल का जो राइट हैंड आदमी है, उसका भी मेन मिशन आ गया है। गेम को यहाँ पे सेव कर लेते हैं और उसका मिशन पहले करते हैं। तो ये डा का मिशन मैं इसलिए भी करना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि ये उल के हो सकता है कि और भी मुझे राज बताए, जिससे मुझे उसको मारने में आसानी होगी। उदम संशिता क्वार दा उदम पल हुइंजा हुगुआना मा मश दमशम उदम ग्वार बर्दा दमस क्राउ हदंदाफ Winja bar daha sakwi. Ay! Udam aywa tani bar. Widum. Winja udam barash.
I must dash. तो देखा जाए तो साइला का भड़कना गलत नहीं है और ये टकार के ऊपर भड़क रही थी कि उद्धम ने हमारे इतने वेंजा के लोगों को मारा है और तुम्हें और कुछ नहीं सूझा, तुम उद्धम के आदमी को हमारे गांव में लेते आए। और साइला ने गुस्से में टकार पे हमला भी किया लेकिन टकार ने उसको रोक लिया और समझाया कि देखो ये जो उद्धम को मैं पकड़ के लाया हूं, ये अपने को वो जहरीला गैस बनाने में मदद कर रहा है और ये वेंजा को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनवाएगा। तो साइला ने गुस्से में बोला नहीं, उद्धम वॉरियर सिर्फ और सिर्फ वेंजा की चीखें निकलवा सकते और कुछ नहीं। और फिर उसने टकार को बताया कि ये जो डा है ना उसको वेंजा के लोग पकड़ के जंगल में ले गए और इसको डुबाने वाले। और साइलेंट ने बोला कि तुमको जाना है तो जाओ और उसको डूबते हुए देख लो। तो ये मिशन ना थोड़ा अजीब होने वाला है क्योंकि अपने ही वेंजा के साथियों से जाकर इस उद्धम वॉरियर यानी कि डा को बचाना होगा क्योंकि ये टकार की मदद कर रहा है स्ट्रॉन्ग बनने में। और मुझे लगता है ना कि इसको मैं अपने वेंजा के साथियों से बचा लूंगा तो इसको भी टकार के ऊपर यकीन हो जाएगा और ये धीरे धीरे करके उल के और भी मुझे राज बता देगा। वो सुना है ना, घर का बेदी लंका ढाए। तो अभी तक तो हम लोग उद्धम वॉरियर्स को मारते आए, अब बचाना भी है। अब इन उद्धम वॉरियर्स को कौन समझाए कि इन्हीं की साथी को मैं बचाने जा रहा हूं। भाई ये जो पहाड़ है ना इसको कैसे कैसे पार किया ना मैं क्या बताऊं, लेकिन टेंशन मत लो, आप लोगों को नहीं पता चलेगा क्योंकि वीडियो में मैं उड़ाने वाला हूं। तो अच्छी बात ये कि आपको इतनी लंबी जर्नी देखनी नहीं पड़ी और उससे अच्छी बात ये कि डा तक हम लोग पहुंच ही गए। नहीं नहीं, वेंजा के लोगों के मैं जज्बात समझ रहा हूँ कि उद्धम वॉरियर्स ने मारा है उनको, लेकिन जब मैंने कैद करके रखा हुआ था तो कोई वजह से ना, और टकार मुझे लगा था कि इनका लीडर है, बिना टकार से पूछे ये उठा के ले गए और डुबा के मारने वाले भी है, मतलब टकार की कोई इज्जत है कि नहीं है। तो इस मिशन का नाम कितना अच्छा दिया है, वेंजा वेलकम। ये वेंजा लोगों का स्वागत करने का तरीका है। तो वेंजा के बाकी लोग काफी मजे ले रहे हैं और डा को डुबा के मारना चाहते हैं, मेरा काम इसको बचाना। देख डा, ऐसा है ना कि मरने वाला काम तो तूने किया है लेकिन बचाना पड़ेगा तेरे को। तो टकार ने इसको बोला है कि पानी का लेवल राइज हो रहा है और मुझे पानी के अंदर डूबना होगा, तो वो इतने इतने जो मैंने फूल कलेक्ट किए थे उसका देख लो क्या इस्तेमाल है, ये ब्लू पत्ती खाने से ना पानी के अंदर मैं ज्यादा देर अपनी सांस रोक के रख सकता हूँ। ये कैसा गया, अरे छोड़। चलो ये तो गया, लेकिन जहां से पानी लीक कर रहा है ना उसको मुझे ब्लॉक करना है। अच्छा ये वाटर लेवल भी लिखा हुआ है तो वहां तक तो मैं पहुंच नहीं सकता अभी, मुझे लगता है जब वाटर ऊपर चला जाएगा ना तब वहां उसको ब्लॉक कर पाऊंगा, उसको लास्ट में किया जाएगा, पहले नीचे जो तीन ऐसे कुछ हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये जो पत्ती है ना इससे मैं स्प्रिंट भी जल्दी कर सकता हूँ और स्विम भी जल्दी कर सकता हूँ। ये मछली तो भाई ले ही लेता हूँ मैं। तो बाइट फिश लेने के चक्कर में पानी का लेवल आधा से ज्यादा बढ़ गया पर अपना काम भी हो गया। ठीक है, दो और ब्लॉक करना हो ही जाएगा। वाह, तो क्योंकि अब पानी का लेवल बढ़ गया इसलिए अब यहां तक पहुंच गए हैं तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो काम हो गया और वेंजा के लोग काफी दुखी हो गए क्योंकि इसको बचा लिया है, डा से बात करनी है मुझे। Mari, quaida shwadam mari. Shaja shwadam guaifa.
Gastia, Malchazar. तो टकार ने वेंजा के लोगों को समझा दिया कि देखो डार्क को मैं लेकर आया हूँ और ये तब तक नहीं मरेगा जब तक मैं नहीं बोलता, और ये हमें वो जहरीला गैस बनाने में मदद कर रहा है तो उससे वेंजा के लोग स्ट्रॉन्ग ही बन रहे हैं। तो ये सब बात सुन के डार्क भी चौंक गया और बोला कि नरम खून तुम तो मतलब बहुत ही अजीब काम कर रहे हो मुझे बचाकर, लेकिन ठीक है। तो डार्क को इन लोगों से तो बचा लिया है लेकिन साइला को कोई ठीक नहीं है, वो भी मारने का ट्राई इसको कर सकती है। तो अगर डार्क का कोई और मिशन नहीं आया होगा तो फिर हम लोग बोगादा क्राफ्टरी का मिशन करेंगे। तो चलो फिर एक बार फिर से गांव की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किसका मिशन आया हुआ है। और जब मैप में एक चीज देख रहे हो, उल कितने करीब है, फास्ट ट्रैवल करके हम लोग तुरंत जा सकते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन अभी नहीं, जब तक तैयार नहीं हो जाते तब तक जाने का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बस 3-4 एपिसोड और, मैक्सिमम 5 और एपिसोड और गेम खत्म करेंगे। अच्छा मैं देख रहा हूँ ना कि डार्क का एक और मिशन आ गया है, ऐसे टेंसे बाबू का भी मिशन आया हुआ है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करते हैं, डाही के पास चलते हैं क्योंकि उसका मिशन मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, हो सकता है कि वो अब भरोसा भी करने लगे और उल के बारे में कोई राज बता दे तो उल को मारने हम लोग जा सकते हैं अभी तुरंत। अच्छा ये चीज करने का मैं कब से सोच रहा हूँ, इससे पहले हम लोग डार्क के पास जाएं, साइला की झोपड़ी को अपग्रेड कर देते हैं। स्मार्क का खाता कर। तो साइला बहुत नाराज थी टकार से क्योंकि ये उत्तम वॉरियर को यहाँ पर बंदी बना के रखा होता, लेकिन झोपड़ी को अपग्रेड कर दिया तो अब तो खुश लग ही रही है। अच्छा देख रहे हो ना, वोगा के मिशन करने से ये सारी चीज हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। तो जाइमा की मदद से हम लोग लंबा धनुष बना सकते हैं, लेकिन अपने पास सामान कम पड़ रहा है। ओ स्प्रिंट फॉरएवर, हाँ ये ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से ना दौड़ने की स्पीड भी बढ़ गई मेरी, और दौड़ना तो आप लोग जान ही रहे हो इस गेम में कितना इंपॉर्टेंट है। तो भले ही ये बात वेंजा के लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन डा भी अब एक स्पेशलिस्ट है इस गांव का, इससे बात करते हैं, देखते हैं इसका क्या मिशन है। द्वारशी गबाल पूरी श्वापा चार्श मी शाह नादा मारीवाला सरता गुआरगुआई। तो डाका कहना है कि देखो मैं पिंजरे में एक जानवर की तरह मरना नहीं चाहता हूँ, और ये उत्तम वॉरियर्स के लिए ना केज अच्छी जगह नहीं है, तो इसको भी एक झोपड़ी बना के देनी होगी। तो इसकी झोपड़ी बनाने के लिए बाकी सब सामान तो है, लेकिन एक रेयर ढोल स्किन चाहिए और नॉर्थ क्ले चाहिए, और जब तक इसकी झोपड़ी नहीं बना देता ये मिशन नहीं देने वाला। जैसे बाकी स्पेसिस्ट को रहने के लिए घर दिया ना, तो इसको भी एक अच्छा घर बना के देना होगा। तो छोड़ो हटाओ, इसका घर बाद में बनाएंगे, पहले वोगा द क्राफ्टर से बात करते हैं। तो वो टकार को बताने लगी कि देखो उत्तम वॉरियर्स ने मेरे घर पे हमला किया था और उन्होंने मेरा एक हाथ खा लिया और मेरा टोटम चुरा लिया। तो हाथ तो मैं दोबारा अपना उगा नहीं सकता, लेकिन टकार तुम उत्तम वॉरियर्स कुमार की मेरा टोटम उनसे छीन के वापस ला सकते हो। और ये टोटम आप समझ लो कि कोई लकी सामान नहीं होता है, जैसे हम लोग भी कुछ ना कुछ लकी मानते हैं कि हाँ भाई ये हमारा लकी चाम है। तो ऐसे ही कोई लकी चाम छीन लिया उत्तम वॉरियर्स ने वोगा का, तो उनसे वो छीन कर लाना है और ये वेंजा के लिए लकी चाम बना देंगे, ठीक है। आसानी मिशन है, उत्तम वॉरियर्स को मारना क्या ही हार्ड होगा। मैं ये सोच रहा हूँ भाई ये मिशन तो ठीक है, लेकिन ये डाक का घर बनाने में ना बहुत मेहनत लगी। अच्छा एक काम करूंगा, जो सामान चाहिए ना डाक का घर बनाने के लिए वो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वो मैं कर लूंगा और घर बनाते टाइम आपको वीडियो में दिखा दूंगा, क्या बोलते हो, कमेंट करके मुझे बताना। वोगा की मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लग रही है, कि ज्यादा दूर नहीं जाना है, सब मिशन इनका बगल बगल में है और बहुत ही आसान आसान मिशन दे रहे हैं ये।
अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली मैं ट्राई करता हूँ ना कि अपनी हर वीडियो में सारे के सारे कमेंट्स पढूं। ऐसा हमेशा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन ज्यादातर मैं सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और भाई आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, क्या ही बताऊं मैं। तो उनमें से मुझे एक कमेंट कल बहुत अच्छा लगा, जो कि था कि भाई आप बहुत अच्छे वीडियो मैं अच्छी वीडियो बनाता नहीं हूँ, ये नहीं लिखा था भाई ने, लिखा था कि भाई आप बहुत अच्छे वीडियो। तो ये बात अब मुझे पता चल गई कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक वीडियो हूँ भाई, और वो भी अच्छा वीडियो हूँ मैं। जो जायमा सिर्फ शिकार करवाती थी क्योंकि वो हंटिंग स्पेशलिस्ट है, और वोगा क्राफ्टिंग स्पेशलिस्ट है इसलिए वो सिर्फ सामान मंगवाते हैं मुझसे। तो एक मिनट, करुष यानी कि फाइटर है तो वो मुझसे बस फाइट करवाएगा या उत्तम वॉरियर से, और क्या। अच्छा अच्छा, उल्लू बुला के मुझे आइडेंटिफाई करवाना है कि टोटम के लुटेरे कौन है, ठीक है। और एक बार पता चल जाएगा तो उनको मार के टोटम छीन लेना है। तो वोगा का टोटम छीनने वाला लुटेरा मिल गया, उसी के ऊपर बॉम्ब गिराता हूँ। और अब तो मेरे उल्लू के पास वो पागल करने वाला बॉम्ब भी है जो डा ने बताया था। तो तीन आदमियों के पास तीन टोटम है, तीनों को मार के छीन लेना है, मिशन खत्म, बहुत आसान है, चला जाओ फैंगो। अच्छा एक जो आखिरी आदमी जिसके पास टोटम है वो भाग के कहाँ जा रहा है, अच्छा उसके पीछे जाएंगे, पहले इनके पास से ले लेते हैं। तो दो तो यही मरे पड़े हुए, लेकिन वो जो तीसरा वाला भागा है, ये वोगा कुछ ज्यादा ही आसान आसान मिशन नहीं दे रहे, मुझे लग रहा है कि इनके शुरुआती मिशन है ना, इसलिए इतने आसान है। वो तीसरा वाला आदमी क्या बॉस तो नहीं हो सकता क्योंकि डरपोक टाइप का है, भाग गया है, पर वो कुछ तो जुगाड़ करने गया, वो भागा कहाँ है। भाई साहब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, अरे रुक जा। इसका ना गेम बजाना पड़ेगा, फैंगो आ जा। तो नहीं नहीं भागने का बहुत शौक है ना, अब तू भाग, आ रहा हूं मैं। अच्छा जब ने बाकी के साथियों के पास गया था। तो तीनों टोटेम ले लिया, मिशन कंप्लीट हो गया है, इनको मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोड़ के भी जाने का मन नहीं है, आओ इनको मार ही देते हैं। अच्छा अच्छा मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, फैंगो ने अपना काम कर ही दिया है। नीचे दो और दिख रहे हैं, अब वो जानवर है या उत्तम वॉरियर्स पता नहीं। तो फेल आर्मी मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, उल को भी हम लोग जल्दी मारेंगे, बस पूरी तरह से तैयार हो जाए उसके बाद। और जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अभी डायर वुल्फ को मारना बाकी है, उसको भी हम लोग मारेंगे, जल्दी मारेंगे, टेंशन मत लो। तो चलिए मैं मिलता हूँ कल आप लोगों से, तब तक ख्याल रखिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, टाटा।